मोदी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों को अपनी योजना का केंद्र बिंदु तो बताया, लेकिन गांवों में विकास और रोजगार की गारंटी से जुड़े मनरेगा के लिए बजट बढ़ाने की जगह घटा दिया गया है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार है जब मनरेगा के बजट में 1,084 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। दरअसल सरकार ने 2019-2020 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा है, जबकि साल 2018-2019 के लिए मनरेगा का संशोधित बजट 61,084 करोड़ रुपए था। जानकार बजट ना बढ़ाने को इस योजना के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई इनकम का सोर्स देखें तो वो नरेगा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन नरेगा में लोगों को काम नहीं मिला और काम नहीं मिला तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो इससे जो उनका जीविका और स्थानीय बाजार और राज्य का जो अर्थव्यवस्था है उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति छीन हो रही है। देश के 256 यानी लगभग 40% जिले सूखे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जानकार मनरेगा का बजट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सरकार ने इससे निपटने के लिए मनरेगा के तहत जल संरक्षण के लिए कदम उठाने का भी ऐलान किया है, लेकिन समस्या ये है कि अतीत में मनरेगा के तहत चलने वाली आधी से ज्यादा योजनाएं अधूरी रह गईं। अकेले महाराष्ट्र में 20 मई 2019 तक ड्रॉट प्रूफिंग यानी पानी को सहेजने की केवल 2038 परियोजनाएं पूरी हो पाई, जबकि 79,788 परियोजनाएं अधूरी रह गईं। कर्नाटक में भी अमूमन यही हाल रहा। सरकार ने अब अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में जल संरक्षण की 10 लाख परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें मनरेगा के तहत पूरा किया जाना है। ऐसे में ये परियोजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी, ये बड़ा सवाल है। कल से नेक्स्ट ईयर तक वो ये सुखाई ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए लोग ज्यादा गांव में ये चाह रहे हैं कि हम एनआरजी काम करें, लेकिन वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 2018-2019 में सरकार ने मनरेगा के तहत 255 करोड़ दिनों का रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार पाने वाले मजदूरों की संख्या गिर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-2016 से लेकर 2018-2019 के बीच प्रति परिवार को 47 दिन का रोजगार मिला, जो कि 100 दिनों के रोजगार गारंटी के आधे से भी कम है। यहां तक कि जानकार इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब सूखे के चलते मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार की मांग बढ़ने का अनुमान है, मनरेगा का बजट ना बढ़ाने का कदम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को खटाई में डालने वाला दिखाई दे रहा है। दिल्ली से प्रशांत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।